घूमने फिरने के लिए काफ़ी लोग आते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सब बोटिंग का आनंद उठा रहे हैं। ये देखो गाइस, तो फाइनली पॉइंट पे अपन पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पे समाधि स्थल बना हुआ है, हमारे पीछे साइड में भी समाधि स्थल है और हमारे पीछे साइड में भी समाधि स्थल है। चारों तरफ समाधि स्थल बना हुआ है जो आप लोगों को अभी हम दिखलाने वाले हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है किनके किनकी समाधि स्थल है। देखो गुड़िया, क्या नाम है, यहाँ से आएगी ये देखो गुड़िया। मैं सोचा था कि यहाँ पे नाम लिखे होंगे, तो नाम तो दो तीन लिखे हुए थे, जैसे कि वीर सिंह देव, जसवंत सिंह देव, उदय सिंह, पहाड़ सिंह, ऐसे करके नाम लिखे हुए हैं। तो वो यहाँ के समाधि स्थल है, उनके नाम मैंने आप लोगों को बतला दिया है। तो चलो अंदर चलते हैं। तो ये राजाओं महाराजाओं का समाधि स्थल हम आप लोगों को दिखलाएंगे। देखो यहाँ पे इतने सारे लोग आ गए हैं घूमने फिरने के लिए, काफ़ी लोग आते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा गार्डन बना हुआ है और ये समाधि स्थल। अरे वाह, क्या शानदार सा दिखा समाधि स्थल राजाओं महाराजाओं का। और यहाँ भी देखिए इस तरह से समाधि स्थल है जो देखने में बहुत प्यारे लग रहे हैं। वहाँ पर इतना बड़ा सा महल जैसा पूरा बना दिया गया समाधि स्थल। और देखो यहाँ पे फूल हैं, फूल के पौधे हैं, गुलाब के फूल हैं यहाँ पे, गुलाब के फूल। और देख रहे हो व्यू, देख रहे हो आप लोग क्या शानदार सा व्यू आ रहा है भाई यहाँ से समाधि स्थल। तो चलो देखते हैं भाई समाधि स्थल। यहाँ का ऊंची ऊंची दीवारें किले की जैसे बना हुआ है। तो गाइस पहले ये वाला समाधि स्थल देख लेते हैं, देखते हैं ये किनकी समाधि स्थल है। नाम भी दिया गया है और देख रहे इतना बड़ा यह समाधि स्थल बनाया गया है। और ये भी है समाधि स्थल, ये हम जब हम राजमहल गए हुए थे तो वहाँ से अपन दिखा रहे थे ऊपर चढ़ के। यहाँ पे लिखा है महाराजा यशवंत सिंह की छतरी, तो ये महाराजा यशवंत जी की ये है समाधि स्थल। ये देख लो भाई कितनी बड़ी सी यह समाधि स्थल है। आप यहां आकर इसके बायोडाटा भी पढ़ सकते हैं। बाहर में आप लोगों को बोर्ड नज़र आएंगे पढ़ने लिखने के लिए। तो ये देख लो इस तरह से अभी काम चल रहा है, मेंटेनेंस का काम चल रहा है यहां पे। और क्या ठंडक महसूस हो रही है भाई, बहुत ही गजब की ठंडक महसूस हो रही है। ये देखो यहां पे सब खाना वाना बना के रह भी रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग। और देख लो समाधि स्थल इस तरह से दिखता है, कितना बड़ा ये समाधि स्थल बनाया गया है भाई साहब। इधर से भी नज़ारे देखते हैं अगर कुछ देखने को मिले तो। और यहाँ पे सब खाना बना रहे हैं, मतलब कि कुछ लोग यहीं पे रह रहे हैं लगता है। और यहाँ से जो नज़ारे दिख रहे हैं बेतवा नदी के, क्या शानदार से नज़ारे हैं। ये देखो ये भी समाधि स्थल है, तो वहाँ भी अपन चलेंगे दिखलाएंगे। और ये है बेतवा नदी, शाम के समय में काफ़ी खूबसूरत हो जाता है, तो आप लोगों को हम शाम के समय का नज़ारा भी दिखला देंगे। और देखो यहाँ पे छतरी भी इस तरह से बने हुए हैं और ये देखो गिलहरी है। और यहाँ पे सब बोटिंग का आनंद भी उठा रहे हैं, ये देखो क्या बात है। तो बोटिंग का आनंद भी उठा सकते हैं बेतवा नदी के किनारे। और यहाँ पे सब बाबा जी बैठे रहते हैं, तो उसके नीचे में है राजा महाराजाओं की समाधि। और महल तो आप लोगों को हम दिखला ही रहे हैं। और सामने देखिए इस तरह से और भी समाधि स्थल है, देखिए कितना खूबसूरत सा दिख रहा है यहाँ से समाधि स्थल। तो चलो गाइस यहाँ पे दो समाधि स्थल और दिख रहे हैं, उधर चलते हैं देखते हैं वो किनकी किनकी समाधि स्थल है। गाइस यहाँ पे जो गार्डन है ना, वेल मेंटेन गार्डन है भाई साहब, देख रहे हो कितना खूबसूरत सा गार्डन बना। अच्छा यहाँ पे दो और हैं भाई, इसे तो अपन देख ही नहीं पाए थे। इधर भी चलेंगे, कौन कौन सी राजाओं की यहाँ पे समाधि स्थल बना हुआ है बोर्ड पे देखेंगे और आप लोगों को बतलाएंगे। और ये देखो ऊपर का गुम्बद देखो, छतरी देखो, कितना खूबसूरत महल के जैसे बना के रखे हुए हैं। और ये भी इस तरह से बने हुए हैं, मतलब कि देखने में कितना खूबसूरत दिखता है ये, जबकि कितनी साल पुरानी है ये भाई साहब। और ये देखो यहाँ पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है, काफ़ी सुंदर सा सजा रहे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है महाराजा सुजान सिंह की छतरी, तो ये देख सकते हैं और इनके बारे में पढ़ भी सकते हैं।
तो इनकी ये छतरी है, महाराजा सुजान सिंह की छतरी है ये, और ये इनकी समाधि स्थल है। ये देख लो कितना भव्य समाधि स्थल बनाए गए हैं, और यहाँ पे कुछ लोग रुके हुए हैं। भाई साहब क्या बात है, सब वही है कितना, और यहीं कहीं दफन किए होंगे महाराजाओं को, इसलिए इसके ऊपर बना दिया गया है इस तरह का महल, और दे दिया गया है समाधि स्थल कि लोग आए देखें, युगों युगों तक इनके बारे में चर्चा रहे इनके नाम से। और एक और है सामने में समाधि स्थल, उसको भी देखेंगे। और यहाँ से नज़ारे देखो, जहाँ से भी नज़ारे देख रहे हैं ना, काफ़ी शानदार दिख रहे हैं गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं शादी वादी के लिए भी, फोटोग्राफी के लिए आते हैं लोग। ये देखो इस तरह से व्यू तो काफ़ी एक तरफा दिख रहा है, देखो यहाँ पे क्या शानदार से दिख रहा है। अभी हम लोग यहाँ चलने वाले हैं, ये देखते हैं ये किनकी समाधि स्थल है, इसको देखते हैं। बाकी यहाँ पे दो और बने हुए हैं, वो भी देखेंगे। फिलहाल ये देखते हैं, वाह क्या बात है, ऐसा अपने को मिल जाए तो भाई हम तो आलिशान राजा महाराजाओं की तरह जियेंगे। लेकिन हमारे भाग्य में है ही नहीं, उस ज़माने में लोग राजा महाराजा शौकत से जीते थे, लड़ते थे अपने महल अपने। यहाँ पे लिखा हुआ है महाराजा इंद्रमणि की छतरी, तो ये है महाराजा इंद्रमणि की ये छतरी, यानी कि समाधि स्थल है। और तो समाधि स्थल तो आप देख ही सकते हैं, सब वैसे ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस है ही नहीं जिस हिसाब से बना हुआ है। बाकी क्या है कि नज़ारे जो हैं काफ़ी शानदार हैं फोटोग्राफी के लिए, समझ लो अगर आप शादी वादी कराना चाहते हैं तो फोटोग्राफी के पर्पज़ से ये अच्छा है समाधि स्थल। बट राजा महाराजाओं ने अपना बलिदान दिया हुआ है, तो हम उस स्थान पर हैं भाई, मानना पड़ेगा। इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे महल बना दिए गए हैं समाधि स्थल के नाम पे कि लोग युगों युगों तक इसकी चर्चा करें। आज के ज़माने में ऐसा कहाँ देखने को मिलता है। तो कैसा लग रहा व्लॉग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखो यहाँ से ये दूसरी समाधि स्थल है जिसको मैं ऑलरेडी खा दिया हूँ, अब यहाँ से भी नज़ारे देख लो। बाकी गाइस इसके अंदर मना क्या मस्त ठंडी ठंडी हवा लग रही है ना, क्या ही बताओ मैं, काफ़ी अच्छी लग रही है। देखो इस तरह से बने हुए हैं, मतलब कि इधर भी देखो तो सीधे सीधे ही है, इधर भी देखो तो सीधे सीधे ही है, मतलब कि एक भी मिस्टेक नहीं है। दरवाजे जो दिए हुए हैं इस तरह से, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, देख रहे हो मेरे सामने में। ये देखो नज़ारे, वाओ ऑसम नज़ारे भाई, बेहद ही खूबसूरत नज़ारे हैं। देख रहे हो गार्डन, देख रहे हो भाई, एक तरफा लग रहा भाई, एक तरफा। भाई सभी सामने वाले में जाने वाले हैं, देखते हैं वो किन की समाधि है। और यहाँ पे देख सकते हैं फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब चल रहा बढ़िया सा, देख रहे हो सीन, क्या गजब के सीन आ रहे हैं भाई साहब। और यहाँ से जो सीन आ रहे हैं भाई, काफ़ी शानदार से सीन आ रही है। यहाँ पे शिवलिंग ये देखते हैं, देख लो छतरी ऊपर का, क्या शानदार सा छतरी बना हुआ है। यहाँ भी छतरी बने हुए हैं जो दूर से ही देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता है, अंदर में तो वैसे कुछ भी नहीं है। ये जो छतरी है महाराजा भगवंत सिंह जी की छतरी है, जो आप लोगों को हम दिखला रहे थे, इनका बायोडाटा पढ़ लीजिएगा। अंदर में तो वैसी है, देख लो ये छतरी इस तरह से बने हुए हैं। ऊपर में भी जाने का है लेकिन अभी काम वाम सब चल रहे ना, तो मैं अंदर नहीं जाने वाला, आप लोगों को यहीं साइड से दिखला देता हूँ। और गाइस जैसे यहाँ पे शाम होंगे उसके बाद यहाँ पे लाइट भी जलते हैं जो देखने में बहुत प्यारे दिखते हैं। देखो जगह जगह पे लाइट लगे हुए हैं, और वहाँ पे यहाँ पे मंकी बैठा हुआ है, देख रहे हो कहाँ बैठे हुए मंकी। छतरी भी देख लो आप लोग, इस तरह से छतरी बने हुए हैं। कि तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मस्त सुंदर सा गार्डन है जहाँ पे आप विश्राम कर सकते हैं, मस्त ठंडी ठंडी हवा लग रही है। ये छतरी तो मैंने दिखला दिया, महाराजा भगवत सिंह जी की छतरी है। अभी हम वहाँ चलते हैं, उधर देखते हैं वो किनकी छतरी है। अब ये देखते हैं भाई साहब ये किनकी समाधि है। बाकी तो मैं आप लोगों को दिखला दिया, देखो क्या शानदार सा दिख रहा है। क्या नाम लिखा हुआ है, महाराजा सवंत सिंह जी की छतरी है, महाराजा सवंत सिंह जी की छतरी। मैं दिखला देता हूँ ये छतरी, ये देखो ये भाई साहब, ये लग रहा है अलग छतरी, काफ़ी शानदार सा। और यहाँ पे झरोके बने हुए हैं, ऊपर जाने का पता नहीं कहाँ से है, लेकिन काफ़ी शानदार से ये छतरी दिख रहा है। ये देखो बहुत ही प्यारा,
तो ये ऊपर जाने का है, तो ऊपर चलते हैं भाई। देख सकते हैं ऐसा कुछ सीढ़ी है भाई, खतरनाक टाइप का। अभी हम ऊपर में आ गए हैं, ये देखो ऊपर से नज़ारे दिखलाएंगे आप सभी को, चलते हैं। वाह, ये हम नीचे से देख रहे थे, अभी ऊपर से नज़ारे देखो, छतरी के इत्र गिद्र इस तरह से पूरा बना हुआ है और दृश्य काफ़ी शानदार सा है भाई साहब, काफ़ी शानदार सा दृश्य है। ये देखो देख रहे हो सामने में है नदी, वाह एक नंबर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं।